जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जत्था के माध्यम से हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है और रोग के लक्षण पाए जाने पर जानकारी दी जा रही है, तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं और इलाज कराएं। वह सोमवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के हिस्से के रूप में बीदर जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर बोल रही थी। सही समय पर उचित इलाज से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस की रोकथाम, नियंत्रण और मुक्त बनाना है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर अधिकांत स्वामी ने बताया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई पांच प्रकार का होता है। इस बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए मुख्य रूप से छह प्रकार के निवारक उपाय करने चाहिए। निवारक उपाय जैसे कि हमारी जीवन शैली और हमारी दैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, अनुशासित जीवन जीना, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना, विशेष रूप से नवजात शिशु, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस संक्रमण का अधिक खतरा है, सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों का उपयोग, सुरक्षित इंजेक्शन और सुरक्षित पानी, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।